तस्वीरों में हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे ये लोग रोहतक के मदीना गांव के हैं, जो सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 4 घंटे बिजली आती है और उसमें भी अनेकों कट लगने के बाद बिजली आती है। गांव की महिलाओं ने बताया कि लगातार 1 घंटा भी लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से घरेलू कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तपती गर्मी में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहले ही लॉकडाउन कोरोना की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई और कुछ बिजली कमियों की वजह रही है। आज मदीना गांव ने, समस्त पंचायत ने, सभी ग्रामवासियों ने इकट्ठे हो गए। तालाबंदी हमारा मजबूरी बन गया जी करना। हमारे गांव की अहम समस्या थी, जो कि हमने अधिकारियों को बताया, हमारी समस्या दूर नहीं हुई, इसलिए हमने आज अपना तालाबंद करके यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और अधिकारी मौके पे आए। तालाबंद करने का एक लक्ष्य था जी, 25 दिन हो गए, 25 दिन से सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि दिन में 4 घंटे लाइट रहेगी। हमारे गांव में दिन में 2 घंटे लाइट रहती है और वो भी 2 घंटे से कट लग जाता है तो 1.5 घंटे आई, क्यों 1.25 घंटे आई। हमारे नजदीक लगते मोखरा गांव में 4 घंटे लाइट है और हमारे नजदीक लगते बहु गांव में 4 घंटे लाइट है। तो हमारे ही गांव में क्या हो गया ऐसा, जो लाइट नहीं, हमारे जो महम के जो SDO डिवीजन है, उन्होंने ही को अपना रूल बनाया कि दिन 2 घंटे लाइट मिलेगी। तो आज हमारा गांव, हमें पता लगा 25 दिन से ये सबके साथ 4 घंटे लाइट, हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। आज हमारे समस्त ग्रामवासियों ने, सभी भाइयों, नौजवान साथियों ने गांव में इकट्ठे हो गए, कति हाथ जोड़ के ताला लगाया है और जो कर्मचारी अंदर से, सब उनको कहा भाई आओ शांति से, हमारा ताला लगा दिया है, आबादी उच्च अधिकारियों को बुलाओ। एक्शन साहब, एसडीओ साहब मौके पर आए हैं और एक्शन साहब ने यह आश्वासन दिया है कि 4 घंटे लाइट दिन में मिलेगी। अगर किसी भी जैसे कोई बात है तो लाइट कट जाती है आधा घंटा, तो पूरे 4 घंटे दिए जाएंगे, रात को भी पूरी लाइट मिलेगी। और एक हमारे गांव की समस्या थी, हमारे यहाँ इसमें कर्मचारी 6 स्टाफ होया करते थे, आज कर्मचारी हमारे यहाँ 2.5 हैं। 2.5 का मतलब एक भाई हमारे गांव से हैंडीकैप्ड है, वो आधी पोस्ट मानी जाती है। ताकि रात ने भी, कल भी समस्या थी, परसों भी, हम रात ने किसी टाइम फोन करते हैं तो हमारे को ये जवाब मिलता है कि लाइट यहाँ स्टाफ नहीं है, कि कोई भी लाइट में फॉल्ट हो गया या कोई भी इमरजेंसी से हादसा हो गया तो यहाँ से जवाब ये मिलता है कि हमारे पास कोई आदमी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, सुबह समाधान होगा। हमारा होया करता आज 2.5 स्टाफ क्यों है, तो अभी ये भी हमने आश्वासन दिया तो एक्शन साहब ने ये कहा कि तुम्हारा 5 स्टाफ यहाँ लगाए जाएंगे कल से ही। तो गांव के लोग, अभी एक्शन साहब ने लिखित में मांगा था, अभी एक्शन साहब ये कह रहे हैं कि मेरी जबान का विश्वास करो, मैं आया हूँ तो मैं समाधान करके ही जाऊंगा, आज से ही 4 घंटे लाइट मिलेगी और 5 दिन स्टाफ मिल लिया जाएगा। और एक हमारी ये भी समस्या थी, चंडीगढ़ से ये अप्रूवल हुआ कि SDO मदीना गांव में बैठेगा, उसके लिए अभी बिल्डिंग तैयार नहीं है। तो हमने ये भी कहा है कि SDO मदीना बैठेगा ताकि हमारे लोगों को महम ना जाना पड़े, हमारे बिजली का बिल ठीक करवाना, कुछ भी काम चाहे साइन भी करवाने महम जाना पड़ता था। तो ऊपर से लिखित में लेटर आ गया, लेटर हमारे पास है, हम ये भी बिजली विभाग से प्रार्थना करते हैं कि SDO साहब को मदीना बिठाया जाए 15-20 दिन के अंदर, ताकि अपनी जगह देख लें, किराए पर, ताकि इतने बिल्डिंग तैयार होती है तो मदीना SDO साहब को बिठाया जाए। एक हमारे गाँव की एक समस्या और है जी, पीने के पानी की, उसके लिए भी अभी DC साहब से भी बात किया है। तो 10 दिन डिग्गी में पानी मिला है, नहर जाने के बाद 15-20 दिन पानी ना तो डिग्गी में मिलता और ना सप्लाई मिलती, और गंदा पानी है वो तालाब में जाने लग रहा है, और मीठा पानी डिग्गी में 10 दिन बचा है। ट्यूबवेल की लाइन है नहीं जी, अगर ट्यूबवेल की मीठी पानी की लाइन हो नहर के तले, ग्रामीण ने सुविधा हो जाए। मिले हैं अधिकारी, अधिकारी कई बार मिल लिए जी, आश्वासन भी कई बार मिल लिया, लेकिन पानी की और बिजली समस्या कंटिन्यू बनी हुई। डी साहब से बात हुई, डी साहब से बोला सब ना बेरा छह महीने तो हम रोड पर बैठे हैं, मारी किस्मत उस दिन फूट ली थी जिस दिन BJP सरकार आई, रही कही वो इस लॉकडाउन में, कोरोना में, इस मैटर में, फिर रही कही ये भ्रष्टाचारी है, ये कर्मचारी है, बिजली आ रही नन्नू शर्म नहीं आंदी काम, हम बहुत गरीब आदमी बैठे हैं, नहाने में ना, खाने में ना, इनके मित्र बार कड़े तलुआ हम कितना इनका इनका बेबा बनाम सारा का, तो हमारी बिजली है जो ये मान्य कर पूरा कर देंगे, नहीं तो इसमें कति आग लावाएंगे, आप नहीं डरते हम ना मरना मरना सोच लिया का मरांगे का मारांगे और इस माग लावा आपने छोटा के पानी इधर की चली जा तंगा लिया ये लुगाई लुगाई नहीं ये लक्ष्मी बाई बन ली है ये क्रांति ले का छोड़ देंगे बस कुछ नहीं तो रखा ली मोदी ने छह भी नौ गैस वासन दंडा ना वासन हाथ कौन कुछ सरपंच ने भी कहा था सरपंच भी BJP का कुछ नहीं बोलने भी नहीं आई कुछ नहीं मान लो कोई ताला खुलेगा कि नहीं खुलेगा ना नहीं खुला जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक ताला नहीं खुलेगा नहीं चालू काम हो हमारा नहीं हमारी मांग मांगी तो इस माग लावाएंगे आग लावाएंगे हम तो छोड़ दे पानी तो भी कोई एक आध घर होगा ना किशन भाई कुछ आंट होगी ना भाई मीटर नहीं लग रहा होगा भाई अलग बात है चोरी होगी ना तो मेरे हिसाब से गांव में कोई सा चोरी का ज्यादा लाइन लॉसेज बता रहे।
चोरी हो रही है गांव में? ना कोई चोरी नहीं है। पानी की क्या स्थिति है? पानी की तो है ना। सुना भाई, जब नहीं आओगे भाई तुम जाके महाराज जो अध्याय देखे डिग्गी वाले भाई अब तक नहर चल रहा ना, एक 10 दिन पानी कुल आवे उसमें नहर भी आ ले जा भी ले है ना, स्टोरेज भी कम है। और भाई हम 30 दिन पूरा एक महीना पानी के बगैर रहे है ना। और किसे भाई करना यकीन नहीं बौड़ा चलो भी बेरा है ये मेरी आमदनी भी ना, मैं 500 रुपये भी कोई ना, अरे बिल दे देंगे 2,500 कितना भर जाएगा सर पर कमा पा छोटे छोटे नु बता दो काम हम इसी सिस्टी है जब मैं साहूकार हो तुम सर मरा अच्छे बिल भरा अच्छा पैरा डमरे लग के देखो मैं भी 500 का सुनाया जानू पर पैरा कितना आमदनी तो कोई ना है, आमदनी नहीं होगी तो आदमी कितना क्या करेगा। तो बिजली आने कर ताला लगाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एक्शन भूपेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव को पूरी बिजली दी जाएगी। सरपंच साहब ने कुछ हमारे सामने डिमांड रखी है, हम तो इनको कह रहे थे अगर आप हमारे गांव से घूमने आए तो भी मना कर रहे हैं, उस हिसाब से जो भी चीज होगा उसको जो भी इनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। गाँव की जो भी दिक्कतें हैं, क्या दिक्कत क्या क्या दिक्कत है? तो ये कह रहे हैं भी हमारा जो स्टाफ है वो कम है क्योंकि अब रिटायरमेंट के कारण अब हमारे पास इतना स्टाफ भी नहीं है, हम कोशिश करते हैं जितना इनके कोई कमी ना आए जो यहाँ से भी अरेंज करेंगे। और जो बिजली कर्मचारियों की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। एक्शन के आश्वासन के बाद भी गांव की महिलाओं ने कहा कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता और हमारी बिजली पानी की समस्या दूर नहीं होती तब तक बिजली घर का ताला नहीं खुलेगा, और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बिजली घर को आग के हवाले कर देंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।